Assalamu alaikum, dear followers and students of fashion brand World Best Friends, the name of trust. Like our video, share our video, subscribe our channel and press bell icon for the latest updates. अगर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9232151511011। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि राउंड झूमर कैसे बनता है। उसके लिए आपके पास लंबाई आप 3 इंच हो और चौड़ाई आपके पास 1.5 इंचेस होनी चाहिए। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर राउंड झूमर के लिए पैटर्न ड्रॉ करेंगे। पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम हार्ड बुकरम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमारे पास इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये हमारे पास गोटा लेस है। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। आप इसके ऊपर लेस लगाएंगे, ग्लू गन का यूज करेंगे आप लेस लगाते हुए, और बहुत अच्छे से इसको पेस्ट करना है। कहीं से भी ये उखड़नी नहीं चाहिए, कहीं से भी खराब ना लगे। एक पट्टी लग चुकी है। अब हम इसी तरह सेकंड साइड पर भी लेस लगाएंगे, उसको भी कवर करेंगे लेस लगाकर। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपनी बेस को कवर कर लिया है। यहाँ से हम लेस की कटिंग कर लेंगे और साइड से इसको कवर कर लेंगे। इसकी फिनिशिंग करेंगे, इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। यहाँ से भी इसको हम लोग फिनिशिंग करेंगे। ये हमारी शेप आ गई है। अब हम ये लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लावर्स लगाएंगे छोटे छोटे, जो हमने ऑलरेडी बनाकर रखे हैं। फ्लावर्स हमारे लग चुके हैं। अब हम अपने झूमर को होल्ड करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिप्स काट कर लगाएंगे। सबसे पहले मिड में हम लोग स्ट्रिप्स लगाएंगे। मिड वाली जो स्ट्रिप है वो थोड़ी सी बड़ी होगी साइड वाली दो स्ट्रिप से। साइड पे जो राइट एंड लेफ्ट साइड पे दो स्ट्रिप्स लगेंगी, उनकी लेंथ इक्वल होगी और मिड वाली स्ट्रिप की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बुकरम के ऊपर यहाँ पर 2 इंचेस लंबाई का निशान लगाएंगे और इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम 2 इंचेस लंबाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हम 1/2 इंचेस से भी कम रखेंगे, 2 और 3 पॉइंट्स हम कम रखेंगे चौड़ाई 1/2 इंचेस से। लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड से हमने इसको कट कर लिया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऊपर लेस अप्लाई करेंगे। जिस तरह राउंड झूमर बनाते वक्त हमने लेस लगाई थी, बिल्कुल इस तरह हम यहाँ पर लेस अप्लाई करेंगे ग्लू गन का यूज करते हुए।
अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स अप्लाई कर रही हैं। फ्लावर्स लगाने के बाद हम अपनी स्ट्रिप्स की कटिंग करेंगे। पूरे झूमर के ऊपर हमने फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब हम स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे इसको होल्ड करने के लिए। अब हमने स्ट्रिप्स कट करनी है, तो 4 इंचेस हमने स्ट्रिप काटनी है। 4 इंचेस का निशान लगा के हमने 2 स्ट्रिप्स कट की इक्वल साइज की, और जो हम लोग 3rd स्ट्रिप काटेंगे वो इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। थर्ड स्ट्रिप हमारी थोड़ी सी बड़ी है। अब सबसे पहले हम मिड में जो बड़ी वाली स्ट्रिप है उसको पेस्ट करेंगे, और राइट एंड लेफ्ट पे हम जो हमारा 4 इंचेस की स्ट्रिप है उनको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इन तीनों स्ट्रिप्स को हमने टाइटली पकड़ के पेस्ट कर देना है, लूज नहीं करना, बिल्कुल टाइट पेस्ट करना है। ये देखिए स्ट्रिप्स को हमने अच्छी तरह पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे और देन हम इसके ऊपर फ्लावर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पेस्टिंग कर ली है, कॉर्नर से हमने फिनिशिंग भी कर ली है। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पीछे हमारा बुकरम नजर आ रहा है ये बुकरम नजर नहीं आना चाहिए, इसको आपने गोल्डन कपड़े के साथ कवर कर लेना है, इससे अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा और बहुत बुरा लगेगा जब आप इसको लगाएंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी कवर कर लीजिएगा और नीचे से भी कवर कर लीजिए। जी तो जो हमने राउंड झूमर रेडी किया था वो थोड़ा सा हमारा इनकम्प्लीट है, उसको हम लोग कम्प्लीट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मिड में हमने स्ट्रिप्स अप्लाई करनी है, और जो इसका व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है उसको भी आपने गोल्डन कपड़े के साथ कवर कर लेना है। अब इन सब को हमने पेस्ट कर देना है बिल्कुल टाइट होल्ड करके। यहां से हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा बड़ा फूल है जिसके मिड में छोटा सा मिरर लगा है, ये हम यहां पर लगाएंगे और ये बहुत खूबसूरत लुक आएगी। और इसके मिड में हम छोटे छोटे फ्लावर्स अप्लाई करेंगे।
ये देखिए हमारा झूमर तकरीबन कंप्लीट है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बड़े फूल का अगर आप झूमर बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग बनाने के लिए ऐसे करते हैं, इनको सीधा करके लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने बिल्कुल इस तरह करके लगाना है। इस तरह बहुत खूबसूरत लुक आती है और कुछ लोग इन तीनों को जोड़ देते हैं इस तरह करके, वो भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए आपने इस तरह लगाना है जिस तरह आपने बाकी दो झूमर बनाए हैं और इनके ऊपर आपने स्ट्रिप्स अप्लाई कर देनी है। ये हमारी फाइनल लुक है दोनों झूमर्स की। होप सो कि आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।